हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल नई उड़ान। तो आज मैं लाई हूँ सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट इग्नू की तरफ से। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके इग्नू के कौन से रिजल्ट, यानी कि आपके सारे एग्जाम हो चुके हैं। जितने भी एग्जाम थे आपके जून जुलाई सेशन वाले, वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, अब आपके अपडेट्स आना स्टार्ट हो गई इग्नू के रिजल्ट की। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है इग्नू रिजल्ट 24। उसके बाद आप सर्च करोगे, उसके बाद आपको ये इंटरफेस मिलेगा, टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट जून 24। आपको फिर यहाँ पे इस पे क्लिक करके आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जुलाई 24 यानी कि आज, जुलाई 24 यानी कि सॉरी कल की अपडेट है। ठीक है, जुलाई 24 की अपडेट है ये आपकी, और ये फिफ्थ अपडेट है, यानी सॉरी सिक्स्थ अपडेट है आपकी। सिक्स्थ अपडेट में आपको पता चल जाएगी कौन कौन से रिजल्ट आपके आ चुके, क्योंकि इग्नू एक साथ रिजल्ट कभी भी अपडेट नहीं करता है। आपका एक बारी में रिजल्ट नहीं आता है, ये यहाँ पे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर करके आते हैं रिजल्ट, और आपका ये अपडेट चलता रहेगा एक महीने तक, और आपके सारे रिजल्ट इस तरीके से डिक्लेयर कर दिए जाएंगे इग्नू की तरफ से। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो यहाँ पर आके अपना कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी एक एनरोलमेंट नंबर फिल करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई भी एनरोलमेंट, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने फिल किया, उसके बाद मैंने सबमिट किया, तो इसका रिजल्ट अभी नहीं आया। ठीक है, यानी कि इस स्टूडेंट का रिजल्ट अभी नहीं आया है, बाकी भी और सारे अपडेट होंगे, तो आपको वेट करना है, आपके रिजल्ट आ जाएंगे ऐसे धीरे धीरे करके। ठीक है, काफी रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो जिसके रिजल्ट आ गए वो आप इस तरीके से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।